नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक बार फिर से आज आपके बीच अर्ज किया का ये खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुका हूँ। अर्ज किया जैसा कि हर रोज आप लोगों के बीच आ रहा है, हर रोज आप सुन रहे हैं अलग अलग कवियों को, राजनीतिक व्यंगवाण हो या फिर श्रृंगार की कविताएं हो, आप अर्ज किया से बाकायदा आप लोगों के बीच पहुंच रही हैं तमाम कविताएं, तमाम चीज़ें। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसी ही महफिल होने वाली है, आज हमारे साथ ऐसे ही कवि और कवित्री होने वाले हैं। आज हमारे साथ शुरुआत करेंगे, दरअसल पहले तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ सुमोद जी हैं, वरिष्ठ कवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमोद जी आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने लगे। और स्वदेश जी हमारे साथ हैं, और स्वदेश जी भी हमारे साथ अर्ज क्या का हिस्सा रही हैं, और एक बार फिर से स्वदेश जी हमारे साथ अर्ज क्या का हिस्सा बनने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज अर्ज किया का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। स्वदेश जी के अलावा मेरे पास मेरे नज़दीक में भाई धर्मवीर हैं, और धर्मवीर भाई काफ़ी वक्त से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं और अर्ज किया का हिस्सा बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत शुक्रिया। धर्मवीर भाई के नज़दीक में युवा कवि बेहतरीन अलग अलग ओज की कविताएँ पढ़ने में माहिर हैं, हमारे साथ अविरल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल, पहली दफ़ा अर्ज किया का हिस्सा आप बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आज दरअसल शुरुआत करते हैं, आज सबसे पहले मैं सुमोद जी के पास आज पहुंचूंगा, और सुमोद जी क्या कुछ आज पेश कर रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, स्वागत करो सुमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वैसे तो मैं ओज के लिए जाना जाता हूं, लेकिन आज कुछ राजनीतिक व्यंग में करने वाला हूं। अच्छा, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठाकर और बिल्कुल एक ग्रामीण राजनीति का जो पृष्ठभूमि है वो आपके सामने रखने वाला हूं। स्वागत है। सबसे पहले जिस प्रकार हमारे गांव में नेताजी जब चुनाव आता है आते हैं तो किस तरह का माहौल होता है, कैसा लगता है, एक दोहे से सुनिए, शुरुआत करता हूँ कि फूले फूले से लगे नेताजी हर बार, जब भी आते हैं 5 साल बाद फूले फूले से लगे नेताजी हर बार, और जैसे खाली ट्यूब में भरी काऊ ने जैसे खाली ट्यूब में भरी काऊ ने प्यार, और भरी काऊ ने प्यार बवंडर उठे पेट में, और बजे धनादन शंख फटे जो मेघ जेठ में, और कहे संबोध कवराए द्वार निज घर का भूले, और जो बरसाती टोट घूमते फूले फूले। और अब बिल्कुल एक गीत राजनीति गांव की पृष्ठभूमि से, जब चुनाव के माहौल होता है किस तरह से गांव में चर्चा होती है। स्वागत स्वागत कि चाय की दुकान वाले नुक्कड़ों पे चर्चा है, इस बार नेताजी से टक्कर है तीन की, और हाथ जोड़ लेना चाहे पांव पूज लेना आप, आपको मिलेगी नहीं वोट कभी दीन की, और बोतलों की पेटी खोलवाना चाहे कितनी भी, खलेगी पियक्कड़ों को कमी नमकीन की, और लहरों के बीच में ही डूबती दिखेगी नाव, निकलेगी कमी फिर ईवीएम मशीन की, और अल्लाह जाने कौन सी करवट, राम जाने कौन सी करवट, बैठे गोजे ऊंट कई के मौसूजेंगे, कई पालो बदलेंगे। और कैसी चर्चा कर रहे हैं साहब, दुकान पे बैठे हुए लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि क्या होने वाला है। स्वागत। लोग और लालच में फंस गयो पूरो गांव, राजनीत होने लगी बैठ कर छान में, और जब ते चुनाव आयो मौज हुई बनिए की, भांग भरी हुई है जी बीड़ी और पान में, और देसी पौवा पीने वाले मांगने लगे विदेशी, काना फूसी करें एक दूसरे के कान में, और 4 बजे आके धोरे 5 बजे वाके धोरे एक तलवार घुसी कई कई म्यान में, और अल्लाह जाने कौन सी करवट, राम जाने कौन सी करवट, बैठे गोजे ऊंट कैन के मौसूजेंगे, कई पालो बदलेंगे। और साहब क्या हुआ, एक दूसरे पे खूब लाछन लगेंगे, और न्यारे न्यारे हाथ होंगे नेताजी के हाथ में, और एक हाथ पंचर लगाएंगे जी, कुछ हाथ पंचर लगाएंगे जी साइकिल में, कुछ हाथ होंगे एक दूसरे के साथ में, और कुछ कुछ हाथ होंगे एक दूसरे के साथ में, और कुछ भगवा पहन के रहेंगे मस्त, जैसे आप जा रहे हो नरसी के भात में, और चमचे विरोध में करेंगे खूब नारेबाजी, चमची करेंगी वोट अपनी ही जात में, और अल्लाह जाने कौन सी करवट, राम ही जाने कौन सी करवट, बैठे गो ये ऊंट कैन के मौसूजेंगे, कई पालो बदलेंगे। अच्छा, और सब क्या हुआ कि पक्ष या विपक्ष में हो चाहे काऊ कक्ष में हो,
जी तुबे को उल्टे सूदे दाव आजमाएंगे और धरने पे धरुबे को करेंगे दिखावा खूब, दोनों टाइम होटलों में चकमाल खाएंगे और काउते कहेंगे बाप काउते कहेंगे बाबा, दीनन के पामन में लोट लोट जाएंगे और जीतुबे को तिलक लगेगो काउ और माथे, हारवे को दोष मेरे गाम पे लगाएंगे, अल्लाह जाने कौन सी करवट राम ही जाने कौन सी करवट, बैठे गोजे ऊंट कई इनके भौसूजेंगे कई पालो बदलेंगे। और चार पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि बेरंग जिंदगी में रब से यूं आशिकी हो, बेरंग जिंदगी में रब से यूं आशिकी हो, मंदिर में हो अजाने मस्जिद में आरती हो, मंदिर में हो अजाने मस्जिद में आरती हो, और हम भी ये जानते हैं इस जंग को ही लेकर हम भी बहुत दुखी हैं, तुम भी बहुत दुखी हो, तुम भी बहुत दुखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत शानदार, शानदार। सुधीर जी के पास चलता हूँ बिना किसी भूमिका के। स्वागत, वंदे मातरम आप सभी को। सबसे पहले तो मैं अर्ज की है प्रोग्राम और न्यूज जेके न्यूज को धन्यवाद देती हूँ जो कि हिंदी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधुवाद देती हूँ, और इतनी सुंदर एंकरिंग के लिए भी आपको बधाइयाँ देती हूँ। और सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूँ, सुनिएगा। ये भूखे भेड़ ये भिन्ना रहे हैं कौन रोकेगा, सितम लोगों पे करते जा रहे हैं कौन रोकेगा, पुलिस करती कठिन ड्यूटी लिए बंदूक और लाठी, करे हमला पड़ोसी तो जलालत कौन रोकेगा, करे हमला पड़ोसी तो जलालत कौन रोकेगा। और एक और करंट देखिएगा, कुछ पंक्तियां ताजा हैं। हमको ईडी अगर बुला ले हम दंगे करवा देंगे, अच्छा पुलिस बुलाए पूछताछ को हम पंगे करवा देंगे, संसद हम चलने ना देंगे मित्र किसी भी सूरत में, सच को अगर टटोला तुमने तन नंगे करवा देंगे, सच को अगर टटोला तुमने तन नंगे करवा देंगे। और नोटों का अंबार घरों में फिर भी हम सब सच्चे हैं, जेवर का बाजार घरों में फिर भी हम सब सच्चे हैं, टैक्स चुकाना मित्र हमारी फितरत में कब शामिल है, चोरों के सरदार घरों में फिर भी हम सब सच्चे हैं, चोरों के सरदार घरों में फिर भी हम सब सच्चे हैं। और एक और रचना, चोरी करके सीना जोरी क्यों करते हो, जांच वांच की साँच आँच से क्यों डरते हो, राजधानी की सड़कें तुमसे पूछ रही हैं दागदार दामन को आखिर क्यों करते हो, और सड़कें रौंदोगे नेताजी आखिर कब तक, पुलिस बलों पर रोष करोगे आखिर कब तक, न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखलाते हो तुम, मक्कारी चोला ओढ़ोगे आखिर कब तक। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अविरल के पास पहुंच रहा हूं मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करता हूं। जमाना मौन हो जाए तो ऊंचे स्वर बना लेते, जमाना मौन हो जाए तो ऊंचे स्वर बना लेते, परिश्रम के पुजारी ये नियम अक्सर बना लेते, और सफर में यदि मिले कांटे तो कायर याचना करते, बहादुर लोग अपनी एड़ियां पत्थर बना लेते, अपनी एड़ियां पत्थर बना लेते। चार पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ के एक गीत पढ़ता हूँ। फक्र करिए खो चुकी जागीर लेकर चल रहे हैं, फक्र करिए खो चुकी जागीर लेकर चल रहे हैं, मरुथलों के मध्य दृग में नीर लेकर चल रहे हैं, और जिस दौर में दोस्त सारे हीर लेकर चल रहे हैं, उस दौर में हम देश की तस्वीर लेकर चल रहे हैं, उस दौर में हम देश की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक गीत पढ़ता हूँ राजनीतिक विसंगति पर। स्वागत है, स्वागत। कि कब तक ना मुंह खोला जाए, धीमे स्वर में बोला जाए, घाव देख कर भारत माँ के अपना धीरज डोला जाए, तो पोषण जिनको करना था आहार बना कर डाल दिया, लोकतंत्र को लोगों ने व्यापार बना कर डाल बहुत दिया। अच्छे, अच्छा विरल, तंत्र को लोगों ने व्यापार बना कर डाल दिया। और पंक्तियां सुनिएगा, स्वागत है। कि राजनीति में अनीति बढ़ती ही जा रही है, सादगी से खेले जाएं खेल मिलते नहीं, और जनता ही चुन जिन्हें भेजती है संसदों में, उनसे ही जनता के मेल मिलते नहीं, और सीमाओं के पार रोज भौंक रहे शत्रुओं के बांधे जो मुंह में नकेल मिलते नहीं, और तोड़ने को देश जाने कितने खड़े हैं किंतु जोड़ने को अटल पटेल मिलते नहीं, जोड़ने को अटल पटेल मिलते नहीं, तो
इस लोलुपता ने भारत को लाचार बना कर डाल दिया, लोकतंत्र को लोगों ने व्यापार बना कर डाल दिया। और चार अंतिम पंक्तियां बताऊं कि आजादी के पहले जो उजड़े चमन थे वो आजादी के बाद भी आबाद नहीं हो सके, और देश में गरीबी जैसी कमजोरियों पे व्यक्त बुद्धिजीवियों के जज्बात नहीं हो सके, और बात बात में विपक्ष पक्ष किए गए किंतु राजनीति के बिना संवाद नहीं हो सके, और इसलिए तन से ही टूटी बेड़िया हमारे आज तक मन से आजाद नहीं हो सके। तो कर्तव्य निभाने निकले थे, अधिकार बना कर डाल दिया, लोकतंत्र को लोगों ने व्यापार बना कर डाल दिया, व्यापार बना कर डाल दिया। धन्यवाद। अच्छा है, बहुत अच्छे, शानदार, स्वागत कर रहा हूँ आपका। जेके न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी, और एक चुनावी माहौल पे आप अब्दुल जी ये गीत सुनिएगा। कि राजनीति की खुशबू आकर, राजनीति की खुशबू आकर घर घर में फैलाएंगे, आएगे दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे, आएगे दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे। अच्छा है, क्या क्या होगा जब नेताजी घर आएंगे और कैसे कैसे होंगे वो सुने। कि जितने साइकिल वाले होंगे सबके रूप निराले होंगे, जितने साइकिल वाले होंगे सबके रूप निराले होंगे, बेशक होंगे कुछ गोरे भी कुछ के चेहरे काले होंगे, कुछ हाथी के साथी होंगे, कुछ के हाथ में होंगे पंजे, कुछ के सर पर बाल मिलेंगे, कुछ तो बिल्कुल होंगे गंजे, कुछ तो कीचड़ में भी अपना आकर कमल खिलाएंगे, आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे। और सुने नेताजी आएंगे तो क्या क्या करेंगे आपके साथ जी। के नेताजी संग भी खाएंगे, नेताजी संग भी खाएंगे, बेशक बर्तन खुद लाएंगे। अच्छा है, नेताजी संग भी खाएंगे, बेशक बर्तन खुद लाएंगे, टूटे छप्पर के संग दद्दू एक फोटो भी खिंचवाएंगे, के जुमलों के फिर बीन बजेंगे, मालाओं से गले सजेंगे, केवल नेक इरादे होंगे जिनसे उनको फायदे होंगे, कि गामन की गलियन में फिर से सब कर्तव्य दिखलाएंगे, आएगा दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ उसी का, सुनिएगा नेताजी क्या क्या जुमला देंगे जब आएंगे तो। कि अब के सभी कलेक्टर होंगे, अब के सभी कलेक्टर होंगे, जुमलों के जो फैक्टर होंगे, जितनी कच्ची कॉलोनी है वहाँ भी सारे सेक्टर होंगे, दस दस बीघा होगी खेती, हर खेती पर ट्रैक्टर होंगे, कारवार छोटी बातें हैं, हर घर हेलीकॉप्टर होंगे, और अपने हाथों से तुमको भी सब टोपी पहनाएंगे, आएंगे दौर चुनावन को अब नेताजी घर आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार साहब, शानदार शानदार। फिलहाल वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कल फिर हाजिर होंगे अर्ज़ किया का एक और एपिसोड लेकर कुछ और कवि और कवित्री के साथ। नमस्कार।